मामला ये है कि ग्वालियर भारत का पहला जिला है जहां आर्म फोर्सेस के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है एसपी ग्वालियर के द्वारा, श्री अमित सांगी जी का उसमें बड़ा योगदान है। और मध्य प्रदेश भोपाल से एक आदेश अध्यादेश पारित हुआ था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ये काम होना था, बाकी जिलों में भी होना था जो नहीं हो पाया अभी तक, वो एक अफसोस जरूर रहेगा। अब आते हैं हम ग्वालियर पुलिस ने जो हमारे सीआरपीएफ का जवान है जो आजकल कश्मीर के पुलवामा में पदस्थ है 183 बटालियन में, उनकी कुछ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने ग्वालियर एसपी हेल्प डेस्क को अप्रोच किया था, क्योंकि मुरैना का केस था तो ग्वालियर एसपी और ग्वालियर की हेल्प डेस्क ने मुरैना पुलिस को मदद करी और मुरैना पुलिस ने इस मसले को सॉर्ट आउट कर लिया। और जैसा अखबार में भी छपा है कि एक और पान सिंह तोमर बनने से बच गया। इस तरह से बताया जा रहा है कि पीड़ित होते हैं सीआरपीएफ, उनकी सुनवाई नहीं होती है, इस हद तक उनको छोड़ने का भी कई रिकॉर्ड निकले हैं कि कई छोड़ भी रहे हैं, सुनवाई नहीं होती है, तो क्या मामला है? मामला ये है कि आज समय बदला है, प्रशासन हमारे जो घरेलू समस्याएं भी थोड़ी सी बदलाव आए हैं पहले से अब में, और हमारे फोर्सेज में बड़ी समस्या है। हमारे राजनेता घोषणा तो कर देते हैं, जैसे मुख्य हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर जवान 100 दिन की छुट्टी अपने परिवार के साथ रहेगा, वो ग्राउंड में नहीं हो पाता है। हेमंत जी आप समझिए कि इलेक्शन है, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान है, रियलिटी कुछ और है। प्लस एक और चीज जो देखने में आ रही है कि प्रशिक्षण में भी शायद कुछ बदलाव की जरूरत है, मानसिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, योगा वगैरह हो, और कुछ हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं फोर्सेज में, चाहे वो बीएसएफ एससीआरपी आईटीएफ हमारे सभी अर्धसैनिक बलों के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका बड़ा अहम रोल शुरू हो जाता है कि ये शूट आउट आत्महत्या जैसे केस नहीं होने चाहिए, कोई अपनी कीमती जान क्यों जाया कर